हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर कुमारी प्रिया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल पर। भरवा करेले का नाम सुनकर के सभी के मुंह में पानी आ जाता है। ये होता है इतना टेस्टी है, ये खाना किसे पसंद नहीं है। बस इसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर करेला घर में आता है तो सभी बोलते हैं कि इसका भरवा करेला बनाओ, तो एक बार आप सभी मेरे स्टाइल से ये बना करके देखिए। आपको सच में मैं बोल रही हूँ, मज़ा आ जाएगा खा के। भरवा करेला बनाने के लिए हमें चाहिए मोटा करेला। इसमें हमें पतले करेले की ज़रूरत नहीं है, मोटे करेले को ही इसमें हमें यूज़ करना है। मैंने आधा किलो करेला लिया है और ये देखिए, इसे हमें इतना इतना बड़ा काटना है। तो ये हल्का छोटा था तो इसे मैंने बस बीच से ही काट लिया है और दो पीस में कर लिया है। और ये करेला बड़ा है तो इसे मैं तीन पीस में काटूँगी। ये देखिए, मैंने इसे तीन पीस में काट लिया है। तो हल्का बड़ा बड़ा ही रखिएगा, तब अच्छा लगता है, एकदम अच्छे से बनता है भरवा करेला। अब सारे करेले को हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे अब हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए सारे करेले को मैंने डाल दिया है कुकर में और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और डालना है इसमें हमें थोड़ा सा नमक, ताकि सारे करेले के अंदर नमक घुस जाए। नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा करके इसे हमें बॉईल होने के लिए गैस पे चढ़ा देना है और गैस का फ्लेम हमें हाई पे ही रखना है। इसमें हमें बस दो विसीली लगाना है, ज़्यादा करेला गले नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि भरवा करेले में ना करेला हल्का टाइट ही रहता है ना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसे हम फिर बाद में फ्राई भी करते हैं ना। तो जब तक हमारा करेला बॉयल्ड हो रहा है, तब तक हम प्याज को काट करके रेडी कर लेते हैं। इसमें हम ढेर सारे प्याज को डालेंगे। जितना हम प्याज डालेंगे ना, तो मसाला उतना ही ज़्यादा होगा। एक बार हम बना लेंगे तो ये 2 से 3 दिन मसाला इसका चलता है। तो इसके लिए मैंने 6 से 7 बड़े बड़े प्याज को काट करके ले लिया है। और हमें चाहिए 2 लहसुन के जावे को छील करके और 2 हरी मिर्ची। अब जार में हम थोड़ा सा मसाला पीस लेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें प्याज डाल देती हूँ। 1 प्याज के करीब इसमें प्याज मैं कटा हुआ डाल रही हूँ और सारा जो लहसुन हमने छील करके रखा है, लहसुन को इसमें हम डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची को भी इसमें डाल करके इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इसका ढक्कन लगा करके इसको मैं पीस करके लेके आती हूँ। तब तक ये जो प्याज है, इस प्याज का हम फ़ोरन दे देते हैं करेला में। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई गैस पर और इसमें हम 4 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल इसमें हल्का ठीक से ही पड़ता है। सरसों का तेल इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सरसों का तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, और जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाने पे इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो पहले भी हमने पीसने में भी मिर्ची डाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैं बस 1 हरी मिर्ची ही काट करके डाल रही हूँ। मिर्ची हल्का सा फ्राई हो जाने पे इसमें हम सारे कटे हुए प्याज को डाल देंगे। सारे प्याज को कढ़ाई में डाल लेने के बाद इसमें हम अभी ही इसी टाइम पे डाल देंगे नमक। नमक इसमें हम अभी इसलिए डाल रहे हैं ताकि प्याज हमारा जल्दी से गल जाए। प्याज गलने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। हम प्याज को ना लो फ्लेम पे ही गलाएंगे, इससे हमारा प्याज चलेगा भी नहीं और मसाला एकदम परफेक्ट बन करके रेडी होगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें अभी ही नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इसको हम ढक्कन लगा करके बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक हमारा प्याज गल रहा है, तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। हमारा प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें इसमें ना 2-3 इंग्रेडिएंट को और पीस कर डालना है, मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा। ये देखिए, ये है काली तोरी, या बहुत लोग इसे राई कहते हैं और बहुत लोग इसे सरसों कहते हैं। ये भरवा करेले का मेन इंग्रेडिएंट है। ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है और इसे भी ग्राइंडर जार में डाल करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे हमें हल्का पतला ही पीसना है। इसके बाद हमें चाहिए कच्चा आम। कच्चा आम तो अभी मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, तो कच्चा आम हमें पूरा नहीं चाहिए, एक बस साइड से ही हमें थोड़ा सा चाहिए। तो इसे हम साइड से छील लेंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा पीस इसका काट लेते हैं साइड से। इसका एकदम छोटा छोटा पीस काट करके इसे हम एक कूटने वाले में डाल करके कूट लेंगे। अभी तो आम का टाइम है, तो अभी हम इसमें आम डाल रहे हैं कच्चा। अगर आम का टाइम नहीं रहेगा तो फिर हम अगर करेला का भरवा बनाएंगे तो हम इसमें क्या डालेंगे। तो उसमें आप क्या करिएगा ना, 2 आम के अचार के पीस को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और उसी का यूज़ हम इसमें करेंगे आगे। तो ये देखिए, मैंने एक कूटने वाले में सारे आम को ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से कूट लिया है। एकदम इसका स्मूथ पेस्ट भी नहीं तैयार करना है, हल्का ऐसे दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। अब कुकर का भी सीटी खुल चुका है तो करेले को हम निकाल लेते हैं। इसे पानी में ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। तो एक प्लेट में मैं सारे करेले को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे करेले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप एक चाकू की सहायता से इसे हल्का सा ही करेले को काटेंगे और इसके अंदर का बीज को निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे करेले के बीज को हमें निकाल लेना है।
ये देखिए सारे बीज को मैंने निकाल लिया है। अब ये सारे बीज को हम एक ग्राइंडर जार में डाल करके इसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा ही इसका पेस्ट हम रखेंगे। बहुत लोग ऐसे ही पूरा ही डाल देते हैं ना करेले के बीज को, तो वो दांत के नीचे कट कट आता है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका हम हल्का सा दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मसाले तो हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, तो अब हम एक बार प्याज भी देख लेते हैं। बीच में मैंने प्याज को ना एक दो बार चलाया था, तो ये देखिए प्याज अभी तक हमारा एकदम अच्छे से नहीं गला है। अभी तक ना 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो इतना देर में ना बस इतना ही प्याज गला है। अभी से हमें 3 से 4 मिनट और गलाना है। ये देखिए गैस को मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है और इसी में मैं इसे गला रही हूँ, तो अभी से हमें 3 से 4 मिनट के लिए और गलने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए हो गया 3 से 4 मिनट, और इसे मैं एक बार और चला करके देख लेती हूँ। ये देखिए इसे हल्का ना हाथ से ना दबा दबा के चलाना है, ऐसे दबाते हुए इसे चलाने पर ना ये जल्दी से गल जाता है। ये देखिए अब इसी स्टेज पे ना जो हमने प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें हम अभी डाल देंगे। तो ये देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब कटोरी में जो प्याज का पेस्ट लगा हुआ है तो इसमें 1 चम्मच पानी डाल करके और इन मसाले में हम डाल देंगे, और इसी टाइम में सारे स्पाइसेस यानी कि मसालों को भी हम डाल देंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस ये कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, पहले भी हमने हरी मिर्च को पीस करके और फ़ोरन में भी डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्ची डालिएगा। और अब सारे मसालों को इसमें खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को तो हमने लो फ्लेम पे गलाया था ना, लेकिन मसालों को हमें हल्का मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो गैस को मैं कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पर, और मसालों को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, इसे ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। ज़्यादा देर तक इसे ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से जलने लग जाएगा मसाला। अब इन मसालों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया मसाले का और साइड से इसका तेल भी छोड़ने लग गया है, तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे फ्राई करना है। अभी ही इसमें हम डाल देंगे तोरी जो हमने पीस करके रखा था ना काला सरसों, यही इसमें मैं डाल देती हूँ। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने करेले के बीज को पीस करके रखा था, इसको भी इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ जो आम को हमने कूट करके रखा था वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 कटोरा पानी डालेंगे। तो ये देखिए सारे कटोरे में जो हल्का सा मसाला लगा था तो उसी में हम पानी डाल करके और वही मसाले में डाल देंगे। तोरी को ना हम अगर अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना तो मसालों में ना तीतापन आ जाएगा, तो इसीलिए हमें तोरी को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। कम से कम 6 से 7 मिनट हमें इन मसालों को फ्राई करने में और लगेंगे। बस गैस को अब हम कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और इन मसालों को हमें हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है। गैस को हमने हाई फ्लेम पे रखा है ना, तो इसे बीच में छोड़िएगा नहीं, इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। तो ये देखिए भुजते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी अच्छे से नहीं सूखा है, ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, इसे हम अभी 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद ये मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सारे मसाले का कलर एकदम चेंज हो चुका है। इसे मैंने एकदम बहुत अच्छे से फ्राई किया है लाल करके, ये देखिए साइड से इसका तेल भी छोड़ दिया है। तो इसी टाइम पर हम गैस को कर देंगे बंद। इसे हमें एकदम खूब अच्छे से फ्राई करना है, आप जितने अच्छे से इसे फ्राई करेंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब सारे मसालों को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में ना हम करेले में मसालों को भर करके फ्राई करेंगे। ये देखिए करेले का मसाला देख करके मुँह में पानी आ रहा है ना, अगर जिनको करेला पसंद नहीं है तो वो ऐसे भी ये मसालों को खा सकते हैं, चावल में, रोटी में, जिसमें भी चाहे उसमें खा सकते हैं, और घर के सभी लोगों को ये खा करके बहुत मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। अब कढ़ाई में हमें बस 1 से 1.5 चम्मच के करीब ही तेल डालना है, अभी इसे फ्राई करने में हमें ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। और करेले में इन मसालों को एकदम अच्छे से स्टफ कर दीजिएगा। करेले में मसाले को भर करके इसे हाथ से ऐसे दबा देना है ताकि मसाला बाहर ना निकले। ये देखिए सारे करेले में मैंने मसालों को भर लिया है, और एक बार में हम 4 ही करेले को फ्राई करेंगे। अब इसे हम दोनों तरफ से एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई करिएगा। करेले में ऐसे भी हमने नमक डाल के बॉयल किया था ना, तो करेले का तीतापन आधा से ज़्यादा हट जाता है, और इसे फ्राई कर लेते हैं तो इसका तीतापन पूरी तरीके से हट जाता है। तो ये देखिए करेला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। दोस्तों वीडियो को अभी बंद मत करिएगा, अभी मैं आपको एक और तरीके से करेले को फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें हमने बस 1 चम्मच के करीब ही तेल डाला है, और सारे करेले को आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मसाले को तो हमने पहले से ही अच्छे से फ्राई कर लिया था। और करेले में मसाले को भर करके फ्राई करने पे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसका मसाला बाहर निकल सकता है, तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। करेले को बस ऐसे ही फ्राई कर लीजिए और बाद में इसमें मसाले को भर दीजिएगा। अब हो गया हमारा भरवा करेला बन करके रेडी, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों आप एक बार मेरी तरह से भरवा करेला बना करके देखिए, अगर कोई गेस्ट आए घर में तो उन्हें भी ये भरवा करेला बना करके खिलाइए, आपकी बहुत
बहुत तारीफ वो करेंगे और वो जरूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से बनाना सीखा, तो उनको मेरे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आप सभी को मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।